गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x² - 1। इसका हम लोगों को dy अपॉन dx ज्ञात करना है, मतलब x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। सामान्यतः sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन यहां पर ये इसलिए हम इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे और पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करने से ये 2 cos² θ - 1 बन जाएगा। इसलिए पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करने पर यह बनेगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos² θ - 1। और हम जानते हैं कि 2 cos² θ - 1 बराबर होता है cos² θ, तो इसलिए 2 cos² θ - 1 की जगह क्या आ जाएगा cos² θ। इसलिए ये बनेगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स और 1 अपॉन cos² θ इज इक्वल टू होता है sec थीटा, 1 अपॉन cos² θ इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec थीटा। हम जान दूसरे चैप्टर से हमें मालूम है कि sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए sec इनवर्स ऑफ sec 2θ इज इक्वल टू 2θ हो जाएगा और ये बनेगा y इज इक्वल टू 2θ। इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास था x इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स x आ जाएगा। इस थीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 cos inverse x। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx, और cos x का डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse x ये बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -x², इसलिए cos inverse x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 - 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x². तो ये dy अपॉन dx जो इस क्वेश्चन का निकलेगा वो निकलेगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x², ये आपका आंसर होगा।